आप देख रहे हैं अभी तक की सबसे बड़ी और ताजी खबर एटीके न्यूज चैनल पर। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 8 एक्टिव केस, रायपुर में 2 और दुर्ग में 1 नए मरीज मिले। छत्तीसगढ़ में शनिवार को 3 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। रायपुर में 2 और दुर्ग में 1 पॉजिटिव केस सामने आया है। वर्तमान में प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 8 एक्टिव केस है। 2 दिन पहले स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को मिलाकर 1409 लोगों की जांच कराई थी। दोस्तों, आप देख रहे हैं अभी तक की सबसे बड़ी और ताजी खबर एटीके न्यूज चैनल पर। और हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जिसमें से 3 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की पॉजिटिविटी दर 0.20% है। कोविड-19 न्यू वेरिएंट फिर से डराने लगा। कोरोना का नया वेरिएंट, सरकार ने जारी किया बड़ा अलर्ट। दुनिया में एक बार फिर से कोरोना की एंट्री ने डरा दिया है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर भारत सरकार ने भी गाइडलाइन जारी की है। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। रायपुर, देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार सतर्क हो गई है। स्वास्थ्य अमले को निर्देश दिए गए हैं कि संभावित लक्षण वाले लोगों के ज्यादा से ज्यादा नमूने लिए जाएं और उनकी जांच की जाए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी कलेक्टरों से पहली बार मुखातिब होते हुए स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और सभी कलेक्टरों के साथ प्रदेश में कोरोना की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इससे बचाव और रोकथाम के लिए भारत सरकार की गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कोरोना के संभावित लक्षण वाले लोगों के सैंपल की जांच प्रतिदिन ज्यादा ज्यादा संख्या में करने को कहा। उन्होंने कोरोना के इलाज के लिए जरूरी व्यवस्थाओं की जांच के लिए अस्पतालों में मॉक ड्रिल भी करने को कहा। मुख्यमंत्री साय ने सभी कलेक्टरों को प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों की सूची जल्द तैयार करने के निर्देश दिए ताकि शीघ्र ही इनका निर्माण किया जा सके। उन्होंने प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में कहा कि प्रदेश में कानून का राज दिखना चाहिए। जुआ, सट्टा, अवैध शराब और अपराध पर नियंत्रण के लिए कड़ी कार्रवाई की जाए। शहरी क्षेत्रों में सफाई पर विशेष फोकस। साय ने राजस्व संबंधी मामलों का निराकरण भी तेजी से करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पौती, जाति प्रमाण पत्र, सीमांकन और नक्शा दुरुस्तीकरण जैसे कामों को लेकर जनता से किसी भी तरह की शिकायत नहीं आनी चाहिए। बिना किसी लेन देन के लोगों के काम तेजी से होने चाहिए। शहरी क्षेत्रों में नालियों और गलियों की साफ सफाई पर विशेष जोर देने को कहा। हर योजना का पहुंचे लाभुक। मुख्यमंत्री अरुण साव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी कलेक्टरों से कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाए। शासन और प्रशासन को मिलकर इन फैसलों का लाभ लोगों तक बेहतर तरीके से पहुंचाना है। दोस्तों, आप देख रहे हैं अभी तक की सबसे बड़ी और ताजी खबर एटीके न्यूज चैनल पर। और हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चैनल को प्यार और सपोर्ट करने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।